मैं यही कह रहा था कि आप सेकंड टेस्ट में सिंपली एक चेंज आपको जरूरत पड़ेगी। ये जो बातें हो रही है फहीम अशरफ खिलाओ और ये करो, ये फिर वही गलती करेंगे। अगर करेंगे आप जब तक कि अपने चार बॉलर्स पर कॉन्फिडेंस नहीं शो करेंगे, आप उनको ये मैसेज नहीं देंगे बैठ के कि भाई आप चार हो और आप चार ने हमें मैच जिताना है, खत्म कहानी, कोई पांचवा नहीं है, आप चार हैं, तो एक सिचुएशन भी डिफरेंट होती है। रही बात कि जहां आपको जरूरत पड़ेगी पांच बॉलर्स की, फवाद भी कर लेता है थोड़ी बहुत लेफ्ट आर्म, शान थोड़ी सी मीडियम पेस कर लेता है, अजहर भी लेग स्पिन कर लेता है, तो कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। इंग्लैंड भी तो यही करता है। अब इंग्लैंड को इस टेस्ट में यही प्रॉब्लम आएगी कि बेन स्टोक्स नहीं है, तो उनके पास ही पांचवे बॉलर का ऑप्शन का बड़ा मसला खड़ा होगा, क्योंकि वो किसको खिलाते हैं ये उन्होंने देखना है। स्पेशलिस्ट बैट्समैन को लाते हैं तो उनके पास पांचवा बॉलर नहीं है कोई फिर, ठीक है। अगर वो एक ऑलराउंडर लेके आते हैं जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों थोड़ी थोड़ी कर लेता है, तो वो फिर उनकी बैटिंग भी थोड़ी कमजोर हो जाएगी, बॉलिंग भी थोड़ी सी उनकी, मतलब ऑप्शन बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो चीज नहीं आती जो स्टोक्स के होने से आती है। तो मुझे तो ये फील आ रही है अपना फ्यूचर ही, कि इंग्लैंड को भी, अब इंग्लैंड को हमसे ज्यादा सिलेक्शन के डायलेमा आया है, क्योंकि ये वो ग्राउंड है जिसपे, याद रखिएगा, अभी वेस्ट इंडीज जीती है इंग्लैंड से, पहला टेस्ट जीती थी इसी ग्राउंड पे जीती थी साउथ अफ्रीका। नहीं तो आप वही भाई, आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि फवाद आलम खेल रहा है दूसरा टेस्ट? नहीं, मैं ये नहीं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन अच्छा, मुझे जो एक जो चेंज जो वहां पे भी कह फीडिंग रहे चल रही होना है, चाहिए। जो फीडिंग चल रही है वहां से, वो तो यही शुरू हो चुकी है कि फहीम अशरफ खिलाओ, फिर अब ये भी बात चली कि सोहेल खान को फिट करो। भाई देखें, आप जितना अपने लिए कॉम्प्लिकेट करेंगे मैटर्स को, उतना आप क्लियर माइंड से जाना है आपको। देखें कुछ नहीं, कुछ तो आपको ये तो पता चल गया ना फरशोरी के पहले टेस्ट के बाद कि इंग्लैंड की बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो एक तो प्लस पॉइंट आप लेके निकले हो ना उस टेस्ट से, तो फिर क्या प्रॉब्लम है अच्छा, आप? आज इन्होंने एक जो है वो यार एक वही भाई, शोशा भारत छोड़ा है, मेरे ख्याल एक में। मिनट भाई, आज इन्होंने एक शोशा छोड़ा है ट्विटर पे, सरफराज की और फवाद की प्रैक्टिस करते हुए तस्वीरें डाल दी हैं, तो अब उनके सपोर्टर जो है इसी में खुश हैं कि यार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब वो मैच खेलेंगे दोनों। वो तो खैर प्रैक्टिस क्या, वो तो मैचेस भी खेले इस पहले टेस्ट से पहले। सरफराज तो खैर अभी नहीं चांस बनता सरफराज के, क्योंकि रिजवान ने मतलब अच्छी कीपिंग की पहले टेस्ट में, लेकिन वही रिजवान के साथ भी वही इशू है कि रिजवान भी इफ इज प्लेइंग देन ही हैज टू पुल हिज वेट एज अ बैट्समैन। मतलब 27 रन और 25 रन से तो काम ही चलेगा भाई साहब, सीधी बात है। आपको फिर 50 चाहिए आपसे, 100 चाहिए आपसे, क्योंकि आजकल तो विकेट कीपर जब खेलता है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि उसने रन करके देना है। जॉर्ज बटलर ने दोनों इनिंग्स में रन किए भाई सेकंड टिफिन इनिंग में करके। आपका हाईएस्ट वैसे मगर स्कोरर जो आपने है वो आपने यासिर जहां शाह भी, था, सेकंड इनिंग में हाँ आपका हाईएस्ट स्कोरर यासिर शाह था। बिल्कुल बिल्कुल देखा ना, सेकंड नहीं इनिंग में भी आप और देखें कि जिस तरह बैटिंग कोलैप्स हुई है, मतलब कोई जहन नहीं बना हुआ था जब ये आए बैटिंग करने, कि हमने करना क्या, इतना टाइम बाकी था टेस्ट मैच में, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वही घबराहट, और कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता, उसकी एक वजह शायद ये है कि जो मुझे जो पता चला है वो यही पता चला है कि डिसीशन सारे मिसबाह और अजहर के थे इस टेस्ट में। ये मुश्ताक जब आया था, मुश्ताक अहमद जब आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ड्यूरिंग टेस्ट मैच, उसने कोई 3 दफा ये बात कही कि पिच देखते ही मिसबाह और अजहर ने फैसला कर लिया कि जी ये पांच दूसरा स्पिनर को आदाब खेलना के लिए। चाहिए, ठीक है। उसका मतलब मुझे बिटवीन द लाइंस ये लगा कि वो बेसिकली मैसेज ये क्लियर कर रहा है कि भाई मैं, हमारा लेना देना नहीं था इससे। सही है। और मुझे भी बाद में जो खबर आई है वो यही आई है, मुझे जो पता चला है कि वकार, मुश्ताक, यूनुस का कोई रोल नहीं था फाइनल फाइनल डिसीशन में, इलेवन में मिसबाह क्या, अजहर ने जीत किया। उसकी सही वजह है। ये आ रही है कि मिसबाह इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग उसका प्रेजेंस है टीम में, कि इवन अजहर और बाबर आजम दोनों उसी की सुनते हैं, बाकी सही है। प्लेयर्स भी ज्यादातर मिसबाह की तरफ इंक्लाइंड है, क्योंकि उनको पता है कि यार यही भाई मतलब यही टीम का माई ज्यादा है, वो यही है। हाँ, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर भी है और ना। दूसरा दूसरा जो है मुश्ताक वकार, अपेरेंटली यूनुस तो खैर स्टूर के लिए, लेकिन मुश्ताक वकार अपेरेंटली यार वो बस इस पे ठीक है कि यार हम नौकरी काम कर रहा है करो बस वो। हाँ और नौकरी करो और खत्म करो काम। हाँ वो नौकरी मुझे कर रहा लगता है। है मुश्ताक वकार के होते हाँ तो हुए, यूनुस तो बेचारा फंस गया, यूनुस तो फंस गया जब मिसबा के साथ यूनुस खेलना था, के जब होते भी कुछ नहीं हुए बोलता था, और यूनुस के होते अब हुए वो हेड कोच बन कर रहा है। अगर आपको अब बैटिंग, ड्रेसिंग रूम अब से नहीं सही, अगर आपको एडवाइस जा रही है फील्ड पे, उसका मतलब ये कि फिर वो आपको मैनेजमेंट सपोर्ट स्टाफ से वो एडवाइस मिल नहीं रही। और ये जरूर हुआ है कि वकार अच्छा काफी इसका वही भाई, अपसेट था, सुन ले मेरी बात सुन ले, वकार काफी अपसेट था इस बात पे, जो बॉलर्स को कहा गया उन्होंने किया भी नहीं वो चीज, मतलब वो जो कह रहा था उनको कि ये चीज करो, वो चीज वो कर भी नहीं पा रहे थे। यंग लड़के हैं, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वही है फरशोरी की। कितने देखें 10 साल लगेंगे। मतलब कप्तानी हल्की हुई है, मेन रीजन, कप्तानी अगर अच्छी होती लास्ट डे पे, फोर्थ डे पे, तो आई थिंक पांच रन मैच जीत जाता। जी सही आप है। क्या कह तो रहे हैं, क्या जज्बाती स्पीच दे रहे फिर हैं आप आप? तो आप मतलब टाइम मैं ये कह रहा हूं आपको कि अभी शायद आपने बॉलिंग इनका, पे इतना बड़ा लेक्चर दे, बॉलिंग के ऊपर इतना टाइम बड़ा शायद लेक्चर दे इनका दिया,
F-16 तो आपके पास बॉलिंग अटैक में थे, नसीम जो पता नहीं क्या कर लेगा ये नहीं पता, वही बात आपसे करूंगा, ये भी नहीं पता फिर आपसे होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता। शाहिन 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 शाह अफरीदी भी बाकी है, और वो भाई वो वसीम अकरम की तरह बॉल करता है, वो कब करेगा ये नहीं पता। अब्बास मोस्ट कंसिस्टेंट लाइन में बॉलिंग करता है भाई, पूरे दिन करा लो, पूरे दिन करा लेगा, विकेट लेगा ये नहीं पता। क्यों कप्तान, कप्तान की बैग नहीं है ये बात ठीक है, शादाब विकेट लेगा, यासिर के साथ विकेट लेगा, कितने ओवर कराएगा ये नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ आप इस टीम के अंदर वसीम अकरम ले आए और कायूनुस भी ले आए इस टीम के अंदर, खिला दें साउथहैम्पटन में, अजहर अली कप्तान होगा तो आप कोई तवक्को कर ही नहीं सकते। अच्छा यूनुस खान को आप बैटिंग कोच लेके गए, अब सुन ले आप मेरी बात तो सुन, यूनुस खान को बैटिंग कोच लेके गए और दो महीने से लग रहा है आपने सिर्फ तनख्वाह का इंतजार कर रहे होते हैं, जब तुम्हारी चली नहीं रही, जब चली नहीं रही तुम्हारी तो फिर बेकार है यार तुम्हारा, बैठकर तौलिया डाल के बैठ जाओ, हरा रेशन लेके बैठ जाओ, किसको यार। अब जरा मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये कि अगर वसीम अकरम वगैरह खेलेंगे तो कप्तान पे चांस नहीं है, और अगर कप्तान भी होगा तो वसीम क्या चल दो साइड पे, हम खुद ही करेंगे जो हमने करना है तो वो तो छोड़ दें। रही बात यूनुस की, देखिए यूनुस अपना काम कर रहा है, वो जो मेहनत कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है इफ़ी, मैं समझता हूँ कि अगर नहीं अगर आपका हेड कोच आपसे कुछ पूछता है ठीक है आप बता दें, लेकिन अगर आपका हेड कोच नहीं आपसे कोई ज्यादा आपको पूछ रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है तो ठीक है आप अपनी नौकरी करें, आपका जो काम है अपना काम करें, आप साइड पे हो जाए खत्म कर लें, इससे ज्यादा मैं नहीं बॉस, मगर इतनी गैर जरूरी पावर्स तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा भाई भाई जरूरी पावर्स तो नहीं होनी चाहिए भाई भाई, जरा आपके जो सात कंसल्टेंट्स हैं वो भी अपनी मर्जी की बात आपसे नहीं कर सकते, या वो भी ये नहीं कह सकते कि आप फवाद को पहले टेस्ट में खिलाओ, ये तो मैं मैच निकाल के देगा क्या ऐसा। अनफॉर्चुनेटली आजकल इफी यही है, हेड कोच के पास और ये तो चीफ सेलेक्टर भी है तो आजकल तो पावर इन्हीं के पास होती है भाई साहब। अच्छा वहीद भाई जरा जरा उमर अकमल पे आ जाएं क्या करना है यार, ये लौटा कर रहे हैं क्या करना है इस आदमी, ये इस बात पे भी डांस कर रहा होगा कि मुझे आलमी अदालत पे लेके जा रहे हैं। कल मुझे किसी ने फोन किया, मैसेज किया, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फैंस है, उनमें से एक दो का आया कहला यार वो आप देख रहे हैं कामरा के शो पे बैठेंगे और वो बड़ा उड़ा रहा है पीसीबी को और असद शफी को और अजहर अली को, तुम क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उसको यही जवाब दिया, मैंने कहा भाई बात ये है क्रेडिबिलिटी नहीं है इसलिए क्योंकि उसका भाई फंसा हुआ है, वो अपने भाई को बचाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन बात ये है कि अगर कामरान अकमल जितनी बातें कर रहे हैं बैठ के, अगर कामनी सिर्फ थोड़ा कोशिश करके मतलब जिस तरह से भी अगर आज से 5 साल पहले उमर की अकल में कुछ अकल डाल देता उसके सर में, तो शायद मेरे ख्याल से ये सिचुएशन नहीं फेस करते उमर अकमल वाले यार। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या इसकी कहानी है। लेकिन एक चीज मैं कहूँ इफी, थोड़ी सी बोर्ड ने ज्यादती की है, मुझे लगता है यार 18 महीने जब उसको हो गई है ठीक है यार छोड़ दो, आप खत्म करो बात को, हो गया जितना होना था। आप बाकी जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया उनको आप यार ये क्या बात हुई, मैं हमेशा देखा आपने बचा लिया, आप बचा रहे हैं इसको, गलत बात है आप बचा रहे हैं। देखिए कामरान अकमल आज से 11 साल नहीं टारगेट ही कर रहे हैं, आप बचा रहे हैं उसको। देखिए मैं आपको बताऊं ये कामरान अकमल अब क्यों बुराइयां कर रहा है बोर्ड की बैठ के, अजहर अली की 2009 की सीरीज याद है ऑस्ट्रेलिया की, जब इसे उमर अकमल ने ये कहकर खेलने से मना कर दिया कि कामरान खेलेगा तो मैं खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा। अच्छा आप सुन लें, आप मेरी बात सुने, मैं आपसे ठीक है सवाल लगा इसके ऊपर। हाँ मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर उमर अकमल ने वो चीज की उस वक्त की थी उसने ठीक है, किसकी गलती थी, की थी बिल्कुल, ये बोर्ड का काम था कि उसी वक्त बोर्ड कहता है कि चल बेटा आ जाओ वापस, बहुत हो गई अभी तो तुमने क्रिकेट शुरू की है, तुम्हारे ये तुम्हारे मतलब लक्ष्य है तो तुम रहने ही दो पाकिस्तान से खेलना, क्योंकि टीम तुमसे बड़ी है, तुम टीम से बड़े नहीं, ये बोर्ड की गलतियां है ना भाई। वो पहला स्टेप था, वो उमर अकमल का पहला स्टेप था, उसके बाद कंसिस्टेंट गलतियां करता है और आज तक करता आ रहा है। मेरा मैं हमेशा इसलिए कह रहा हूँ ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, कि अभी जो हम कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड के मिसबाह इतना परफॉर्म कर भी क्रिटिसिज्म का शिकार है, आज भी जब कप्तान था जब भी उमर अकमल को खिला दे रहे ये सोच कर के, अगर उन्होंने नहीं खिलाया तो उनको कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा, इस बात को भी मानते हैं आप। क्यों देखे उमर अकमल, उमर अकमल का मिसबा की कप्तानी से क्या वास्ता यार, लेकिन मेरा कहना तो ये है कि देखें यार उमर अकमल के साथ प्रॉब्लम ये है कि उमर अकमल का मसला ये रहा हमेशा कि शुरू, देखें आप खुद सोचें
कि जब एक प्लेयर ने अभी उसको 6 महीने नहीं हुए पाकिस्तान से खेलते हुए और वो ये हरकत करे कि वो कहे कि अगर मेरा भाई नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, मतलब इंजरी अपनी वो शुरू करे, तो आप सोच लेना फिर उसका जहन कैसा है। अभी 6 महीने नहीं खेला है वो पाकिस्तान से, तो उसने हमेशा अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझा है। अब जो प्लेयर अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझता है ना एफी, उसके साथ यही होता है जो उमर अकमल के साथ हो रहा है यार। उमर अकमल को स्पॉइल करने में शाहिद आफरीदी का भी हाथ है वैसे वहीद भाई, मुझे अच्छी तरह याद है कि ब्रेक था हमारा, मैच चल रहा था तो वो एक रेस्ट रूम बना हुआ था अंदर गद्दाफी स्टेडियम पे, तो मैं वहां जाके मेरी आंख लग गई, तो मैं जब मेरी आंख खुली तो मैं देखा तो कादिर भाई बैठे हैं और उमर अकमल को समझा रहे हैं, और उस वक्त मतलब वो दामाद नहीं हुआ था अब्दुल कादिर का, कुंडी हुई थी बेटी से, तो मुझे देखते ही कादिर भाई ने कहा यार वहीद भाई आप भी इसको समझाएं, तो मैंने कहा कादिर भाई इसको तो जितना समझाना समझा दिया अब क्या समझाएं। लेकिन उस वक्त भी बेचारे कादिर भाई भी अब तो खैर वो है नहीं, लेकिन उस वक्त वो भी इतना समझा रहे थे इसको कि यार तू अपने मतलब क्रिकेट से बढ़ के कोई चीज नहीं है, क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उमर के साथ प्रॉब्लम यही रही कि ही फील्स के वो अब तो कादिर भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए इसके नाम के लिए कहा था कि इसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाए। यार वो उसके डांस पर मतलब उसके डांस पर दान दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट खिलाने के दान दिया जा रहा है। तुम सब कॉन्टिनेंटल का कल्चर नहीं जानते हो, यहाँ पर कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, क्या रिश्ते होते हैं तुम्हें नहीं पता, ये सारी चीजें इंडिया में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है यार, वो लोग क्रिकेट में आपसे आगे निकल रहे हैं यार। अरे यार इंडिया कल्चर बोले तो यार इंडिया कल्चर सिमिलर है, तो वहां भी ऐसे ही होता है कि जो दामाद होता है वो दामाद ही होता है भाई, वो फिर जमाई राजा होता है, तो भाई ये छोड़ दें आप, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ हमारा एक यूनिक कल्चर है, एक डिफरेंट कल्चर है। लेकिन बात यह है कि उमर अकमल ने लाख गलतियां की, मैं भी मानता हूँ उसने गलतियां की, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी जो कुछ हुआ है ये जो नॉट रिपोर्टिंग वाला केस है यार, 3 साल का बैन लगा उस पर, ठीक है, पीसीबी के प्रोसेस से लगा 3 साल का बैन उस पर, फिर पीसीबी के प्रोसेस से ही पीसीसीबी के इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर ने उसको 18 महीने कर दिया, ठीक है, फिर क्या जवाब बनता है कि आप सीएस जा रहे हो तमाशा बना रहे हो यार, इसका क्यों तमाशा बना रहे हो भाई, मतलब वो कोई जस्टिस खोकर या जस्टिस फकीर मोहम्मद जो भी थे, जो दोनों जजेस थे वो क्या किसी और मतलब मुल्क से आए थे, दोनों पीसीबी के अपॉइंटेड जजेस है यार, उन्होंने एक फैसला किया है ना, ठीक है खत्म, एक्सेप्ट करो उसको, अगर किसी को जाना चाहिए सीएस में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में तो उमर अकमल को जाना चाहिए, कि वो उसका बिल्कुल राइट बनता है कहना कि जी 18 महीना अभी भी मेरे ऊपर ज्यादा है, क्योंकि इस जो ब्रीच के लिए ऑफ एंटी करप्शन कोर्ट में इतनी बड़ी सजा नहीं है जितनी 18 महीने दी गई है उसको, लेकिन पीसीबी कहां से बनता है जाना मतलब सीएस में यार, मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हो भाई, अगर आप इतने बड़े हो, अगर आप इतना आप करप्शन पे आप मतलब इतना मतलब एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, तो भाई फिर मेरा सीधा सीधा पीसीबी को ये मशवरा है के बहुत सारे लोग इर्द गिर्द जो फिरते हैं ना, जिनको कि आपको बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था नहीं लिया, तो अब ले लो खत्म करो उनको साइड करो, लेकिन नहीं कर सकते ना, आपको एक हल्का बंदा मिल गया है उमर अकमल, आपको एक जो है ना पंचिंग बैग मिल गया है, सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ, करो ना हफीज के साथ करके दिखा दो, चलो मुझे मैं मान लू शोएब मलिक के साथ करके दिखा दो, मुझे नहीं कर सकते आप यार, आपको एक हल्का पंचिंग बैग मिल गया है, उस बेचारे को आप पंच कर दो, छोड़ दो यार, 18 महीने हैदराबाद चले गए, ठीक है, पुलिस वाले चले गए, बिन बुलाल अब्दुल्ला दीवाना किसी की शादी में डांस करने के लिए खड़ा हो गया, रिफतुल्ला मोहम्मद आपने जो बात की है ना, आपने गलत बात, अब फरशोरी आप काटेंगे नहीं इस पार्ट को, मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं बहुत सारी चीजों पे जो ट्रैफिक वायलेशन का आपने, मैंने ट्रैफिक वायलेशन नहीं किए, हमने गालियां नहीं दी है ट्रैफिक वार्डन को, कितनी दफा ये इंसिडेंट नहीं, मैंने नहीं दी कभी, पुलिस वाले के कपड़े तो नहीं फाड़े, एक सेकंड एफआईआर तो नहीं कटी, पुलिस वाले ने पहले उसको मारा तो नहीं कटी कपड़े, दूसरी अब मेरी बात मुझे पूरी कर देना यार, या तो फिर आप बीच में बोले, ये तो पूरी बात कर देना मुझे, फैसलाबाद में पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर होकर
ओ भाई आप औरतों के साथ नाच रहे हो, पकड़े गए हो, वीडियो बनी है, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी है। हैदराबाद हैदराबाद में तुम मैच खेलने गए हो बगैर परमिशन के, सूर्य सदरन के हीरा सिंह अड्डे से तुम पकड़े जाते हो पांच क्रिकेटर के साथ। मैं जाऊं चले आप बताओ, आप अगर मैं ये बात करूं यहाँ पर बैठ के एफी दादा कि आप जब अपनी पर्सनल लाइफ में हरकतें करते हैं क्या मैं बताना शुरू करूंगा यहाँ पर या हम सब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता ना यार। मैं एक सेकंड यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता ना यार। एक सेकंड मेरी बात पूरी करने दे मुझे, एक सेकंड। चले आपने कुछ देखा ही नहीं है 90s में यार, क्या बात कर रहे हैं आप। जो 90s में जो प्लेस करते थे हमने देखा अपनी आंखों से, क्या फिजूल आप बकवास कर रहे हैं यार। मैं नहीं कह रहा हूँ उसने कोई सही किया, गलत किया उसने। आपने अगर 90s में देखा होता ना हमारे प्लेस को, आप तो किसी गड़े में घुस जाते हैं जाके, तो नन्ना मुन्ना चुन्ना मुन्ना करके उसको फेस करने में आता, बिल्कुल ही बेअकल है, पता ही नहीं उसको कोई लल्लू बना घूम रहा था यार। आपको भी सारी हरकतें कर रहे हैं भाई ये लोग, आपको भी सॉफ्ट टारगेट मिला हुआ है तो आप भी पंचिंग बैग बनाओ उसको भाई। उमर अकमल जो है सबका पंचिंग बैग यार, ये मतलब आपने तो ऐसा ऐसा प्रूफ कर दिया कि $2,00,000 की पेशकश मुझे भी हुई थी, उसको नहीं हुई थी। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, छोटी सी सीधी सी बात, मैं कह रहा हूँ कि जो उसने किया, आप इतना मासूम बना के पेशना कर रहे हैं यार। सुन ले मेरी बात सुन ले, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये अभी जो CS वाला जो चक्कर चला रहा है PCB, ये सब फजूल की बातें हैं। फजूल अपने आप को गंदा करना है, पैसे खर्च करना है, क्या फायदा इन चीजों का। मुझे बता देगा CS जो है वो कह देगा मेरा ठीक कह रहा है ना, PCB गलत हाथों में क्या हुआ है। मैंने नहीं, 12 महीने होने चाहिए, फिर क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेयराज ने ठीक कहा है ना कि ये बाहर से बुलाए हुए लोग जो हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, PCB को लूट रहे हैं, ये खा के भाग जाएंगे पैसे। जावेद भाई ये तो ठीक कह रहे हैं ना, जा रहे हैं आप एक तरफ तो रहे यार। चले भाई वो फैसलाबाद चला गया, वो हैदराबाद चला गया, वो स्टेज ड्रामे में चला गया, वो मुजरे में चला गया, यार ये क्या बात है यार, ये क्या मतलब क्या इशू है ये। मीडिया की जीनत बना ना यही तो कहता हूँ ना, अगर आप 90s में देखते प्लेयर्स को तो आप तो फिर किसी घर में मतलब आप लोगों ने ये चीज क्यों, अगर 90s में ये होता मैंने कभी इस चीज को छुपा लेते हैं लोग, कुछ नहीं दोस्ती यारी में छुपा लेते हैं लोग। सॉरी मैं नहीं बिलीव, दोस्ती यारी में छुपा ली होगी। मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि उमर अकमल को गलतियों से सीखना चाहिए और सीखना चाहिए था बहुत पहले। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, आप अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिये वो शो आप ही कर रहे थे और मोहसिन हसन खान के घर पे वो शो रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग। मोहसिन हसन खान वो पहला कोच था जिसने कहा था कि उमर अकमल किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करे, इसका रवैया ठीक नहीं है, क्रिकेट की तरफ नहीं है ये, इसका जहन किसी और तरफ है। ये आप ही के शो पे मोहसिन हसन खान ने कहा था, वो पहला आदमी था। ठीक है आप भूल गए होंगे ना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप कामयाब कोच को भूल जाते हैं, कामयाब कोच को आप भूल जाते हैं, आपको वो नहीं बहुत सपोर्ट किया है मोहसिन खान। अच्छा अभी जनवरी में इन्होंने मोहसिन खान को बिठाया था अपने शो के ऊपर, ठीक है मैं तो सारी चीजें याद रखता हूँ, समझते हैं हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है मोहसिन हसन खान ने फिर कहा कि यार ये जो मिसबा को दो जिम्मेदारियां दी हुई है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यार मोहसिन भाई खुद भी तो आ गए थे, यार मोहसिन भाई पहले शिकस्त के बाद अंदाजा हो गया। यहाँ पर नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका मिकी ऑथर के दौर में दो इंसिडेंट्स हुए जहां दो प्लेयर्स गलत हरकत करते हुए पकड़े गए, क्या उनको पब्लिसाइज किया गया, क्या उनके नाम लाए गए सामने, क्या उनको इंक्वायरी हुई, कुछ नहीं यार। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप डबल स्टैंडर्ड्स करते हैं ना। फिर एक आपको बंदा मिल गया है उसको मारो अंटर जितने अंटर मारने हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। बाकी प्लेयर्स भी चले, मैं भी आपको नाम नहीं बताऊं, मैं भी आपको नाम नहीं बता रहा। वो यूट्यूब पे शो कर रहे हैं वो साहब और उनका शो देखा जा रहा है। सफराज के जूते वाले इंसिडेंट के ऊपर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया, उन्होंने कहा एफपी भाई ये तो बहुत कम है, हमें तो भाई ये कहा जाता है कि जूते उठा के ला वहां से वरना तू प्लेइंग 11 में नहीं आएगा, स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं बन पाएगा। कह रहा है इससे भी ज्यादा बदतर सलूक किया जाता है भाई क्रिकेटर्स के साथ, सैफी के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या ये बात ठीक है। हाँ बोलिएगा, हाँ बोलिएगा, ये दोस्ती आ गई, छुपा लीजिए। एक कहावत है याद रखिए हमेशा, एक कहावत है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा यहाँ पर कि इफ ही मतलब 56 ईयर्स का मैं हो गया हूँ,
बहुत जिंदगी देखी हमने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बहुत जिंदगी दे। बस वही अल्लाह ताला का जितना हम अल्लाह ताला शुक्र अदा करें कम है ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने सीख ली भाई, कभी भी इंसान को जिंदगी में जो नहीं मिला या जो कम मिला उस पर बैठ के रोना नहीं चाहिए, इंसान को जो मिला उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि फिर अल्लाह ताला आपको और देता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं जो कि बैठ के सालों साल गुजर चुके हैं यार, मैं सर पकड़ के बैठता हूँ, मैं कभी उनकी ट्वीट देख रहा होता हूँ, कभी उनकी सोशल मीडिया पे कमेंट देख रहा होता हूँ, कभी कुछ कर रहा होता हूँ, वो इसी चीज का रोना रोते हैं कि यार ये हुआ वो हुआ। तो भाई जो आपको अल्लाह ताला दिया तुम उसका शुक्र अदा करो यार, भाई वही है ना, कभी सच्चा प्यार नहीं मिला वाला, कभी सच्चा प्यार नहीं मिला वाला है ना ये। और फिर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ किस चीज से, मतलब यार अब मैं क्या बोलूं, क्या पाकिस्तान में रिश्तेदारियां नहीं निभाई जाती हैं, क्या लोगों ने रिश्तेदारी नहीं निभाई गई है, क्या आउट ऑफ टर्न लोगों को चांसेस नहीं दिए गए रिश्तेदारियों के चक्कर में, क्या इमाम अलग को ऊपर चांस नहीं दिया, क्या बाद में अपना प्रूफ किया वो अलग बात है, लेकिन आउट ऑफ टर्न चांस मिला उसको ठीक है। और भी बड़ी मिसाल है, शोएब मोहम्मद, कितनी मिसाल है यार। तो भाई ये यार हर चीज बात होती है, इंग्लैंड की बात हो रही होगी, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही होगी, वो उनकी स्टोरी से जाके मिल जाती है। भाई भाई एक आदमी के साथ तो ज्यादा उसको उसके मामू के, दूसरे हमारे वो आपके दोस्त, दूसरे हमारे आपके दोस्त नहीं, एक आदमी को एक आदमी को तो उसके मामू की वजह से चांसेस मिले यार, इमाम मेरे चांसेस तो एक को तो नहीं मिले अपने मामू की वजह से। समझता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इतने एजुकेटेड, चाचा का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है यार, यहाँ मामू का हल्का होता है, लेकिन यार मैं तो मामू का हल्का होता है। लाइफ में उन चीजों का शुक्र अदा करो जो मिली, उन चीजों का शुक्र उसके लिए मत रो जो नहीं मिली, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। अच्छा भाई भाई देखे कराची 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 की तो कंबाइन आवाज चल रही है कि जैसे मैं आपको भी कहता हूं फ्री, जैसे मैं आपको भी कहता हूं फ्री, ठीक है यार आप मुझ जैसे एक्सपर्ट ना कभी, मतलब आप हो सकते हैं ना कभी बनेंगे, आप जितने हैं उसका शुक्र अदा करें। मुझमें वो सलाहियत नहीं है ना, जो मुझमें वो सलाहियत नहीं है, मेरे इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं पेट की बात निकाल देता हूँ भाई, मैं छुपा नहीं सकता किसी की बात, और खासतौर पर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो तो बिल्कुल नहीं छुपा सकता। अच्छा दूसरा मैं बता मैं आपसे कह रहा था, एक सेकंड एक सेकंड, निकला भाई आपके मुंह से, और भी लोग हैं भाई जिनके साथ गाड़ी में बैठ के बड़ा टाइम गुजारा गया ना, उनके उनके अजर के साथ अभी अजर अली के साथ अभी एक महीना गुजारा PSL पे, बहुत नाइस जेंटलमैन है, और हर इशू पे उससे बात हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी कम इशू पे बात हुई, उसकी कप्तानी को भी लेकर हुई कि टेस्ट में वो कप्तान बनेगा, इंग्लैंड की सीरीज है ये वो सारी चीजें, मगर वो एक अलग डिस्कशन थी, वो फ्रेंडली डिस्कशन थी, वो आप मतलब आप शेयर तो नहीं कर सकते, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते, वो आप भी इस चीज को समझते हैं, मगर मैं ये कह रहा था कि कराची की आवाज तो एक आवाज है, फवाद और फवाद और मैं PSL के दौरान जो यार वो तो नहीं देखे यार, आप तो किसी और वजह से पेट पे पेट से नहीं निकालते ना यार, मैं भी किसी और वजह से नहीं निकालता, मैं ये कह रहा हूँ अभी सरफराज और फवाद के सरफराज और फवाद का इशू उठा हुआ है कि कराची तो बोल रहा है कि इनको मौका मिलना चाहिए ठीक है, और मगर इस्लामाबाद की जो पिंडी की जो आवाज है, बहुत देखे पिंडी की जो आवाज है, वहां से एक आदमी कह रहा है शादाब को कंटिन्यू करो, एक एक बंदा कह रहा है तो मैं देखे छोड़े यार खत्म करें, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ फवाद को मौका इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वो कराची का प्लेयर है, फवाद को इसलिए मौका मिलना चाहिए कि उसने परफॉर्म किया है, अगर हम अगर ये कराची लाहौर की सोच या पिंडी की सोच लेके चलते ना भाई, तो हम ना तो जुल्फिकार बाबर के लिए लड़ते हैं, ना हम सलमान भट्ट के लिए लड़ते हैं, ना हम शोएब अख्तर के लिए लड़ते हैं, ना हम किसी मतलब KPK वाले या पंजाब वाले के लिए हम कभी लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है यार, हमने कभी इस तरह नहीं सोचा, हमने हमेशा असल में डे वॉटमोर का, आप मेरे साथ थे फिर जब हमने जियो सुपर की सालगिरह पे तो एक हफ्ता पूरे इंटरव्यू किए थे स्पेशल लाहौर में, पहला इंटरव्यू हमने डे वॉटमोर का था, ये वॉटमोर ने इंग्लिश में बोला था, मुझे नहीं पता आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन उसने ये कहा था
उसने कहा था पाकिस्तान में अप्रोच नहीं है, उसने कहा था इस टीम के अंदर तो भाई जब टीम के अंदर प्रोमिशन अप्रोच है तो फिर जो फॉलो करने वाले हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, जो मतलब एक जिनको यार एक तो होता है ना प्रोफेशन है आप यार, एक आपका एक प्रोफेशन है ना, आप उस प्रोफेशन से आपने पूरी जिंदगी मतलब अपना रोजी रोटी कमाई है और एक बस शौक ही आप क्रिकेट के फैन है या अभी आप आए हैं तो उनको क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं यार, ये प्रोमिशनिज्म की बातें करेंगे। सही बात, हमने कभी 3 साल में ये बातें नहीं। मेरा सवाल आपसे ये था, ये प्लेयर होता है, मेरा सवाल आपसे ये था, अच्छा है तो अच्छा है यार। नहीं लेकिन वेद भाई हर आदमी ऐसे नहीं सोचता ना, अब यहाँ पे डिबेट तो बनी है, हमारी क्रिकेट का ये हाल है। आलिया रशीद का एक अलग जो है वो उनका सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है, सिकंदर बख्त को आलिया रशीद आ रहे हैं, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे शोज कर रहे हैं उसके फेवर में लोग यार। देखे सिक्कू का जहाँ ताल्लुक है वो फॉर्मर क्रिकेटर है, वो दैट ही डिजर्व रिस्पेक्ट, लेकिन भाई वो तो ओवर द बोर्ड चले जाते हैं कभी कभार, ठीक है आपको थोड़ा सा अपने आप, मैंने यही कहा ना कि आप बैलेंस रखें अपने आप को, ठीक है भाई। आलिया की बात, भाई आलिया तो एस्टेब्लिशमेंट है, सीधी सी बात मैं करता हूँ, आलिया तो मतलब ना इधर ना उधर, वो हमेशा बीच में का रास्ता देखती है, कैसी बात करो कोई मतलब कोई अपसेट नहीं, खुश हो जाए नहीं होता यार, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो गलत है वो गलत है यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई देखें बात ये है कि मैं खुद भी ये कहता हूँ, मैं काफी दिनों से कहता रहा हूँ, आप भी इस चीज से गवाह हैं कि भाई ये सरफराज वाला जो मामला है हमने खुद उसके लिए मुश्किल पैदा कर दी, हमने क्या मतलब हमारे जो कुछ है जो उनके सपोर्टर्स हैं, आप जब इतना एक बंदे पे हर चीज फोकस करते रहोगे, आपको अभी जब इंग्लैंड गए आप मुझे बताएं एक जो तस्वीरें कुछ तस्वीरें डाली गई तो प्रैक्टिस कर रहा है और रोहित नजीर साहब खड़ा हुआ है वो कोई बनती नहीं तस्वीर, मुझे बताएं मतलब आप क्यों उसमें प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो यार, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हो और कितना बचा लिया आपने। मेरा सवाल ये है यार, मैं तो बिल्कुल सीधा तान के कहता हूँ कि हमने जिस बंदी को भी हमने बैक किया तो फिर हम उसके लिए ऑल द वे जाते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे कोई उसको हटा सकता है, ठीक है। सरफराज के इतने चाहने वाले बनते हैं सबके साथ, इतना आउट ऑफ द वे जाकर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, कितनों ने बचा लिया उसको मुझे बता दें, हमने तो वर्ल्ड कप के पहले कह दिया था कि यार देखना इसके लिए बुराई आएगी, इसलिए क्योंकि हर चीज सरफराज 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 सरफराज, तो भाई तुम हर वक्त सरफराज सरफराज कर रहे हो, हर वक्त उसके ऊपर फोकस डाला हुआ है, अगर वो गलत भी कर रहा है तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, भाई जो गलत है वो गलत है यार, जो सही है तारीफ करो, सिंपल सी बात है, बचा लिया आपको। एक बच्चे ने एक बच्चे ने मुझसे क्रिकेट है भाई, एक बच्चे ने मुझसे रूरल क्रिकेट सिस्टम, एक बच्चे ने मुझसे सवाल कर लिया, वो ये पूछ रहा था कि यार ये मैनचेस्टर टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, अगर अजहर की जगह सरफराज होता तो क्या मैच जीत जाते। अच्छा मैं थोड़ी देर रुका, फिर मैंने सोचा कि यार जो बातें रिजवान को पीछे विकेट के पीछे से करनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा आगे सरफराज करता था। इसके इश्यूज खिलाड़ियों को आते थे, हसन अली को थे, वहाब रियाज को थे, बाबर आजम को हुए, ठीक है शादाब खान को हुए, कप्तान था यार वो, कप्तान था भाई, ठीक है मगर क्योंकि वो डंडा देके रखता था यार। रिजवान और सरफराज को आप कंपेयर ना करें ना, यहाँ पर वो कप्तान था सरफराज, रिजवान थोड़ी आगे बोल सकता है क्या। अच्छा दूसरी बात मैं सुन ले, क्या कभी किसी ने सरफराज की कप्तानी पे कहा है कि वो अच्छा कप्तान नहीं था, ही वाज अ गुड कैप्टन, लेकिन मसला उसके साथ ये हो रहा था जो कि फैक्ट है कि वो बहुत ज्यादा उसने क्या बोलते हैं मिकी ऑथर के अपने ऊपर सवार किया हुआ था, मिकी ऑथर लाइट क्यों बंद हो गई आपकी, भाई ऊपर हो गया तो वो मिकी ऑथर ज्यादा डिसीजन लेता था। मैं हमेशा ये कहता रहा कि भाई कप्तान शुड बी स्ट्रांग, अभी भी यही हो रहा है कि अजहर के ऊपर मिसबा डिसीजन ले रहा है, भाई क्यों जब कप्तान है उसको लेना जरूर डिसीजन यार, लेट हिम बी मतलब अकाउंटेबल, कोच का काम है सिर्फ सपोर्ट करना कप्तान को, बस उसके लिए फैसिलिटेट करना चीजों को, लेकिन कप्तान असल चीज होती है। तो सरफराज अच्छा कप्तान था और बन सकता था, उससे भी अच्छा हो सकता था, लेकिन जो आपने बात की मैं आपको ये बता दूं, अगर सरफराज ये कप्तान होता इंडिपेंडेंट सोच के साथ अगर कप्तान होता मिकी ऑथर की नहीं सुन रहा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। ठीक है चले वहीद भाई, मैं सिर्फ ये आपको कह रहा हूं जल्दी से खत्म कर देते हैं, आपको ये कह रहा हूं कि राशिद भाई को कौन खो, राशिद भाई को बस हाफिज हैदर अली को मौका देना चाहिए। अरे यार वो सबके मौके, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि राशिद भाई को जो ख्वाब आया है इसका हैदर अली को मौका देना चाहिए टेस्ट में, ये ख्वाब कैसे आया उनको भाई, सोने के बाद अरे सोने के बाद आते हैं। Anyway, for sure, thank you very much. Thank you, Vahid bhai. बड़ा मजा आया। यार बहुत लंबी हो गई। कोई नहीं, दो पार्ट्स देखेंगे लोग, दो पार्ट्स देखेंगे सब लोग। ज़्यादा नहीं, दो 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 पार्ट्स, दो पार्ट्स।
जहाँ ज्यादा कुछ जज्बाती पर अगर हम कल शो करें ना करें, फवाद आलम सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा, ये मेरी बात लिख ले आप। चले ठीक है, और अगर इन्होंने खिलाया तो इन्होंने मुंह की खाई है तो खिलाया। अगर हुआ, अगर हुआ, अगर हुआ तो फिर मैं बैठूंगा आपके साथ। अगर हुआ तो, अगर हुआ तो मिसबाह उल हक ने मुंह की खाई है तो खिलाया है। ये अगर टॉस जीत के बैटिंग भी मैं करूंगा, फील्डिंग भी मैं करूंगा। चलो वाला है, चले ओके बॉस, थैंक यू वहीद भाई, साउथहैम्पटन का रिजल्ट खुदा। चले बोले 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 इफी भाई बोले, गए वहीद भाई जल्दी से बोल दे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था यार, मैं तो वहीद खान को सिर्फ ये कह रहा था कि साउथहैम्पटन का रिजल्ट भी मैनचेस्टर से अलग नहीं, मुख्तलिफ नहीं होगा। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।